अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आवाज़ न्यूज़ में भली कार माया कायनात शेख आया हुआ है संजा सैयद नजर बिंदासी इन वक्त जी हेडलाइंस पे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद स्टील मिल्स के बंद करने लाए अजी हुक्मनामो जारी करने जो इशारों नहीं चलो। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजमन की प्रमोशन केस जी बुधनी स्टील मिल्स मुलाजमन की प्रमोशन वाले केस से बुधनी दौरान मिल्स की तबाही के जिम्मेवार इंतजामिया के करार दे छो। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद मिल्स इंतजामिया से कावड़ जो इजहार कदे तो इंतजामिया की मिली भगत बिना को भी गलत कम नो सके मिल बंद पी है इंतजामिया के छो रखो वो है। बंद थियल मिल्स में कंखे एम डी या चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्र कर जरूरत ना है। अज का स्टील मिल्स मुलाजमन के भी अदायगी न कई वी। इलेक्शन कमीशन मकानी चूंडू कराने बाबत जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराए छो। पंजाब में मकानी चूंडू 20 जुलाई से करायू वी। केपी कैंटोनमेंट बोर्ड में 8 अप्रैल सिंध बलोचिस्तान की मकानी चूंड जो फैसलो 11 फरवरी से। इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करायल जवाब। उम्मीद है पीडीएम लॉन्ग मार्च ए बेतमादी रथ का अगते नी इस्तीफा से जमहूरी बेचैनी पखिड़ी वी। इस्तीफा दींदड़न के पैंजे फैसले से गौर करण घुर्जे। आखिरकार सियासी डायलॉग करना हुंदा आयन ए डायलॉग से ही जमहूरियत मजबूत थी। वफाकी घरू वजीर शेख रशीद जो मीडिया से गालू चवे तो मुल्क के बचाणो है तो अगते वधणो पवंदो। असा के मुल्क बचाणो है कश्मीर के भी आजाद कराणो है। सैनेट चूंडन लॉन्ग मार्च में थी। फजल रहमान जितां चाहे सेनेट चूंड विड़ी सके थो। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत हेठ जरदारी हाउस इस्लामाबाद में आज अहम इजलास मुल्की सियासी सूरत हाल बेन मामलों से गौर विचार किया वो। इजलास दौरान पीपी जा सीनियर अगवान शरीक हुआ। कड़ो वफाकी वजीर है जै करप्शन ना कई खंज का वी ब्रॉडशीट ताई हर हंध करप्शन है। अगोने वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी जो कराची में मीडिया से गाल चवे तो अज अड़ी हुकूमत है जेका सच नथी गालाए पर देही मानू अवाम जे हकन जो फैसलो कन था। लाहौर की एहतसाब अदालत में आमनी का रेफरेंस से बुधनी नू लीग अगवान ख्वाजा आसिफ के सिक्योरिटी में एहतसाब अदालत आंदो पो। जुडिशल रिमांड में 18 फरवरी ताई बात। सखर के एहतसाब अदालत में आमदनी का रेफरेंस से बुधनी खुर्शीद शाह के अस्पताल का एम्बुलेंस जरिए अदालत आंदो पो। बया जवाबदार भी अदालत में पेश। अदालत बुधनी 18 फरवरी ताई मुलतवी कर छी। मुल्क में कोरोना वायरस जहा हानिया जारी। कोरोना वायरस इकटी डेण का हयातियों खसे वरतियों फौतन जो अंग वी 11,834 ताई पहुंतो। एनसीओसी मूजिब गुजर 24 कलाक दौरान 508 केस जाहिर। मुतासर जो अंग वी 5,50,000 थी वो। अमीरपुर माथेलो वेझो गोठ जहांपुर मुबैना तौर अगवा थियल नौजवान जाफर मलन राजवाणी कोशिशन बाद बाजियाब। 10 लख रुपया भुंग भरण जा चोबोल नौजवान जाफर मुलण जी घर पहुंचने ते खुशी जी लहर।